लोन। सर बताइए कि ये पूरा मामला क्या है। विरार पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में एक कंप्लेंट ऐसा दर्ज हुआ था कि ऑनलाइन मेड सर्विसेज अवेलेबल करने के लालच देकर अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करवाने वाला क्या गया और वो बाद में कुछ सर्विस मेड सर्विसेज भेजता नहीं है। तो एसपी पालघर गौरव सिंह साहब ने ऐसा इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन को दिया, ऑनलाइन कंप्लेंट ऐसा प्राप्त हुआ था, जिसके चलते हमारे विरार पुलिस स्टेशन की टीम आड़ाव साहब और वाघ साहब की पूरी और डिटेक्शन ब्रांच की टीम ने ये पूरा जो रैकेट था वो इन्वेस्टिगेशन में रिवील किया है। इसमें दो आरोपी है इनिशियली अभी निष्पन्न हुए, उसमें एक आरोपी जो था वो क्विकर ये ऑनलाइन सर्विसेज इस पर अपना नंबर रजिस्टर करता था, वहाँ पे वो हम ऑनलाइन मेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऐसा वहाँ पे लिखता था, जिसके चलते कस्टमर वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके जब कॉन्टैक्ट करता था तो सामने वाले पार्टी को ये लोग बोलते थे कि अपने 10,000 15,000 जो भी अमाउंट रहेगा वो पहले ट्रांसफ़र के लिए, फिर बाद में हम ऑनलाइन आपको मेड सर्विसेज या फिर घर में सर्वेंट भेज देंगे। लेकिन पैसा ट्रांसफ़र होने के बाद में कोई भी मेड या फिर सर्वेंट घर में नहीं भेज सकते। सर अभी तक कितने का फ्रॉड बाहर आया है और किस तरह से लोगों को फंसे? ये दो व्यक्ति जो हमें अरेस्ट हुए उनके ट्रांजैक्शन चेक किया, अकाउंट का डिटेल चेक किया, तो अभी तक 150 तो लोगों का उन्होंने चीटिंग किया है और अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो दो साल में एटलीस्ट 46 लाख का ट्रांजैक्शन दिख रहा है, मतलब इतने सारे लोगों को उन्होंने चीट किया है। अभी आप क्या अपॉइंट? ये गुना जो हुआ है ये लोगों को ऑनलाइन जो सर्विस पे बिलीव करते हैं या फिर क्विकर रहेगा, ओएलएक्स रहेगा, जस्ट डायल रहेगा, वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनका वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है, तभी आपने जो ट्रांजैक्शन करना है या फिर पैसे ट्रांसफ़र करना है वो वेरिफिकेशन के सिवा मत करिए, यही पुलिस का आह्वान रहेगा। और ये ऐसा जो जिसका भी चीटिंग हुआ है वो विरार पुलिस स्टेशन से संपर्क करें।